शारदीय नवरात्र की नौमी तिथि पर मंगलवार सुबह गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मातृशक्ति के पांव पखारेंगे, तो अपराह्न बेला में दशमी तिथि के मान में गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक विजयदशमी शोभा यात्रा की अगुवाई करने को रथ पर सवार होंगे। शोभा यात्रा से पूर्व दोपहर में गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर का तिलकोत्सव होगा, तो यात्रा के समापन पश्चात संतों द्वारा पात्र देवता में रूप में गोरक्ष पीठाधीश्वर की पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्र पर गोरक्ष पीठ में शक्ति उपासना विशिष्ट होती है। नवरात्र की प्रतिपदा को गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मंदिर के शक्ति पीठ में कलश स्थापना की थी। रविवार शाम से वह पुनः मंदिर में प्रवास कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने अष्टमी तिथि के मान में महानिशा पूजा के अनुष्ठान हवन को पूर्ण किया था। सोमवार को भी वह जगत जननी माँ आदिशक्ति की उपासना में रत रहे। सीएम योगी नवमी तिथि पर मंगलवार को माँ दुर्गा के नवम स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की आराधना के उपरांत सुबह 8 बजे कन्या पूजन करेंगे। परंपरा के अनुसार वह माँ दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारेंगे, उनके माथे पर रोली चंदन दही अक्षत का तिलक लगा विधि विधान से पूजन करेंगे। पूरी श्रद्धा से भोजन कराकर दक्षिणा व उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। इस दौरान परंपरा के अनुसार बचुक पूजन भी किया जाएगा। गोरक्ष पीठ की ओर से कुंवारी कन्याओं को और बचुक भैरव को दक्षिणा भी प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में सुबह 9 बजे से श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन एवं समस्त देव ग्रहों का पूजन गोरक्ष पीठाधीश्वर द्वारा किया जाएगा। अपराह्न 1 बजे से 3 बजे तक गोरक्ष पीठाधीश्वर का तिलकोत्सव कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर के तिलक हॉल में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे। अपराह्न 4 बजे से गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की भव्य विजयदशमी शोभा यात्रा निकलेगी। पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने रथ पर सवार होंगे। तुरही नगाड़े व बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी। यहां पहुंचकर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवादिदेव महादेव व अन्य देव विग्रहों की पूजा अर्चना अभिषेक करेंगे। इसके बाद उनकी शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी। यहां चल रहे रामलीला में वह प्रभु श्री राम का रास तिलक करेंगे। इसके साथ ही प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमान जी का पूजन कर आरती भी उतारी जाएगी। इसके बाद रामलीला मैदान से शोभा यात्रा पुनः गोरखनाथ मंदिर पहुंचेगी और सायंकाल 7 बजे से दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने परिसर में पारंपरिक प्रसाद का वितरण, गरीब ब्राह्मण एवं अतिथि भोज का आयोजन होगा। इस भोज में अमीर गरीब और जाति मजहब के विभेद से परे बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल होते हैं। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर द्वारा संतों के विवादों का निस्तारण किया जाता है। मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ के शीर्ष संस्था अखिल भारत वर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी है। इसी पद पर वह दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी को पात्र पूजा का कार्यक्रम होता है। इसमें गोरक्ष पीठाधीश्वर संतों के आपसी विवाद सुलझाते हैं। विवादों के निस्तारण से पूर्व संतगण पात्र देव के रूप में योगी आदित्यनाथ का पूजन करते हैं। पात्र देवता के सामने सुनवाई में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। पात्र पूजा संत समाज में अनुशासन के लिए भी जाना जाता है।